नमस्कार, मेरा नाम है पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। सीएम द्वारा समाधान ऑनलाइन में लंबी शिकायतों की होगी समीक्षा। 21 सितंबर को समाधान ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों एवं लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं की समीक्षा करेंगे। इसके लिए प्रदेश भर से करीब एक दर्जन लंबित शिकायतों की छटाई की गई है। इनमें संभाग की 3 शिकायतें भी शामिल की गई है, जिसमें एक एक शिकायत 3 जिलों की है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। जिले में विभिन्न विभागों की 3000 से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में लंबित हैं, वहीं 200 से अधिक शिकायतें 300 दिन से अधिक समय से लटकी हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग की हैं। इनके अलावा वन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग की शिकायतें भी 300 दिन से अधिक समय से लंबित हैं। लगातार निर्देश के बावजूद अधिकारी लंबित शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जिसपे सीएम ने आखिरकार एक ठोस कदम उठाया। समीक्षा के दौरान चुनी हुई शिकायतों के अलावा रैंडमली किसी भी विभाग की शिकायत सीएम देख सकते हैं। इसके लिए अधिकारी पिछले एक सप्ताह की शिकायतों के निराकरण में जुटे हुए हैं। शहडोल में गोपारू ब्लॉक के गांव सुडवार के निवासी राजेश जेसवाल ने शिकायत दर्ज कराई है कि गांव के 2 वार्डों में नल जल योजना के तहत जल प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि गांव में करीब 2.5 साल पहले ही पाइपलाइन बिछा दी गई थी, जिसमें उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दोनों वार्ड में करीब 40 नल कनेक्शन हैं और पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। यह शिकायत समाधान ऑनलाइन के लिए दर्ज की गई है। उमरिया जिले में एक शिकायतकर्ता की शिकायत समाधान ऑनलाइन के लिए चुनी गई है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उनकी बेटी को कोई भगा ले गया है, जिसपे करीब 3 महीने पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि थाना कोतवाली द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, साथ ही शिकायत बंद कराने के लिए शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा है। अनूपपुर जिले के पुष्प राजगढ़ निवासी शिकायतकर्ता कमलेश वर्मा की शिकायत भी समाधान ऑनलाइन के लिए चुनी गई है। जल संसाधन विभाग से संबंधित उनकी शिकायत में पुष्प राजगढ़ के अंदर नहर टूटने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद भी अब तक नहर का निर्माण नहीं कराया गया है। अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पिछले हफ्ते सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर 300 दिनों से लंबित शिकायतों को 2 दिन के अंदर निराकरण करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग के अंदर जो शिकायतें स्पेशल क्लॉज की गई हैं, उनकी जांच की जाए और उनको निष्पक्ष रूप से हल किया जाए। समीक्षा के दौरान अगर लंबित शिकायतें मिलती हैं या ऐसा पता चलता है कि अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो नियम अनुसार दंडात्मक के लिए ये सभी विभाग प्रमुख खुद ही जिम्मेदार होंगे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।